कल किसी और की बच्ची हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। पूछ रही है 6 साल की योगिता, रो रो कर कह रही है 11 साल की अमायरा, माँ ये तूने क्यों किया, क्या कसूर था मेरा, कोई गलती भी रही होगी तो भी सजा मौत की क्यों दी, हमें बोलने तो दिया होता, इतनी जोर से गला दबा दिया कि आवाज क्या हमारी सांसें भी हलक में दफन हो गई, माँ ये तूने क्यों किया। गौर से देखिए इन दो तस्वीरों को, कोई भी माँ अपनी दो दो बच्चियों का गला घोंट कर ऐसी नौटंकी आखिर कैसे कर सकती है। एक तरफ बच्चियों की मौत पर चीख रही है, चिल्ला रही है, वहीं दूसरी ओर पकड़े जाने पर भी सिर उठाकर चल रही है। जी हाँ, अब पूरा मामला समझिए। बीते 31 जुलाई को अंबाला शहर के नाहन हाउस इलाके में दो मासूम बहनों की लाशें संदिग्ध हालात में मिली थी। बच्चियों की मौत पर मां समेत पूरा परिवार बिलक बिलक कर रोता है। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि मां ने ही अपनी दोनों बच्चियों को मारा है। पुलिस के हाथ भी मौकाए वारदात पर खाली थे, लेकिन घटना के 6 दिन बाद पुलिस के हाथों में आरोपी की गर्दन आ गई और जब चेहरा देखा तो पुलिस भी दंग रह गई। तो पिछले बुधवार 31 जुलाई को जो हमारे नाहन हाउस वाल्मीकि बस्ती में एक बहुत दिल दहलाने वाली घटना घटी, जिसमें दो बच्चियों के शव, एक 7 साल की और एक 11 साल की बच्ची थी, उनके घर पे मिले थे इनके शव। तो उस केस में हमने कल पहली अरेस्ट अपनी करी है, जिसमें मुख्य रोल उनकी मदर का, उनकी माता का आया है सामने, और आज हमने उनको पेश अदालत करके 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। जी, रिमांड इसलिए ली गई है ताकि हम दोबारा से घटनाक्रम को समझ पाए, हत्या क्यों की गई और कैसे की गई उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से जर कर पाए। बट अभी प्राइमर फैसा है जो प्रथम दृष्टिया में पता है कि गला घोट कर दोनों बच्चों की हत्या की गई है। जी, वो तफ्तीश जारी है, उससे भी पूछताछ की गई थी, बट जो अभी फिलहाल जो एविडेंस आया है उसमें माता का रोल है, ये हम कन्विंस्ड है, बाकी अभी भी हमारी जांच चल रही है। माँ के साथ में कुछ हो जी, जैसा कि मैंने कहा उसमें अभी जांच चल रही है, तो बाकियों की संलिप्तता है नहीं है और किस घटनाक्रम में हत्या की गई, उसका कारण क्या था, वो भी 2 दिन की हमने जो रिमांड ली उसमें शेयर करेंगे। जी, अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ सामने नहीं आया, जिसे पैदा किया उसे ही मौत दे दी। इस माँ ने माँ की ममता को ही शर्मसार कर दिया। हर कोई धिक्कार रहा है इस माँ पर, हर कोई हैरान है इसकी करतूत पर। सवाल भी कई तरह के उठ रहे हैं, आखिर वजह क्या रही होगी कि माँ ही अपनी मासूम बच्चियों की हत्यारिन बन गई। पुलिस के खुलासे में तो इतना साफ हो चुका है कि माँ ने ही गला घोंट कर दोनों बच्चियों को मारा था, मगर हत्या की वजह अब भी सवाल बनकर खड़ी है। पुलिस ने आरोपी मां को कोर्ट में पेश करके 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में आरोपी मां हत्या से जुड़े कई राज बेपर्दा करेगी, जिसमें हत्या की वजह भी सामने आ जाएगी और साथ ही ये भी राज खुल जाएगा कि आरोपी मां के अलावा बच्चियों का गला दबाने में और कितने हाथ थे। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।